हे हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले आईसीएमआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो हर सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपडेट बताओ उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन है उसे प्रेस कर देना ताकि सीएमए एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट और नोट्स आप मिस ना कर सके। इस वीडियो में हम बात करने वाले सीएमए इंटर एंड सीएमए स्पेशली सीएमए इंटर का कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने जो स्किल ट्रेनिंग एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, आपको सीएमए फाइनल में जाने के लिए आपको सीएमए इंटरमीडिएट चाहे आप ग्रुप वन या ग्रुप टू दोनों क्लियर करके आप डायरेक्ट आ रहे हैं सीएमए फाइनल में, तो आपको स्किल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम देना कंपलसरी मैंडेटरी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट के टाइम पर फेस करेंगे ये प्रॉब्लम कि आपका रिजल्ट विथहेल्ड आ गया है। सर, रिजल्ट विथहेल्ड क्या होता है? आप देख सकते हैं आईसीएमआई ने यहाँ पे ग्रेटिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इंडिया मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को देख सकते हैं एक मेल भेजा था कि मैंडेटरी फॉर स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट एज वी हैव फाउंड दैट हैव अपीयर फॉर द जून 2022 टर्म एग्जाम बट स्टिल नाउ डिडंट क्लियर योर मैंडेटरी स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट दिस इज द लास्ट एंड फाइनल इंटरमीडिएट इनिमिनेशंस अगेन ओपनिंग स्किल ट्रेनिंग नर्जरी 360 पोर्टल फ्रॉम 19 तारीख को 19 अगस्त से 25 अगस्त तक का ओपन हुआ था ये पोर्टल। अब जो जो स्टूडेंट ने इसका एग्ज़ाम नहीं दिया उनका रिजल्ट विथ हेल्ड आ सकता है मोस्ट ऑफ चांसेस है। तो पहले से आपको वॉर्न कर दे रहा हूँ कि रिजल्ट आपका विथ हेल्ड आएगा, ये आपके लिए एक अपडेट था, इम्पोर्टेंट था कि अगर रिजल्ट के दिन आपका रिजल्ट विथ हेल्ड आ गया तो आपके माइंड में डाउट ना आए कि सर क्यों विथ हेल्ड आया, क्या रीज़न था। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक और डाउट आएगा, सर मैंने सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप वन खाली क्लियर किया है, ग्रुप टू मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो मेरा रिजल्ट भी विथ हेल्ड आएगा क्या? देन नो, ये उन स्टूडेंट्स के लिए खास करके स्पेशली प्रॉब्लम फेस करते हैं जो बोथ ग्रुप का एग्ज़ाम देते हैं और बिना कोई स्किल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम दिए डायरेक्टली फाइनल के रूट में जाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ग्रुप वन दिया है, ग्रुप टू आपका पेंडिंग है, तो आप एलिजिबल होंगे, आपका रिजल्ट आई होप कि विथ हेल्ड नहीं आएगा। अगर आपने ग्रुप टू दिया है और ग्रुप वन का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो भी आपका रिजल्ट विथ हेल्ड नहीं आने वाला है। बट बोथ ग्रुप क्लियर करके आप चाह रहे सीएमए फाइनल में जाने के लिए एंट्री चाहिए तो आपको स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट देना कंपलसरी मैंडेटरी है। अब वेट करना अपने रिजल्ट का, देखना क्या आता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इनके सबके माइंड में कोई भी कहीं भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।